इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और कंफर्टेबल विन देखने को मिली हमको इंडिया की यहाँ पर, और अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं कहीं पर इंडिया ने बैटिंग करी। ओपनिंग पार्टनरशिप का जो इशू था वो हमको देखने को मिला कि इस मैच में रिजर्व देखने को मिला। रोहित शर्मा ने भी रन लगाए, विराट कोहली ने भी रन लगाए, एंड आखिर में जिस तरीके से हार्दिक पंड्या ने रन लगाए यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला हमें। बॉलर्स ने भी कल अच्छी बॉलिंग करी, अगेन बुमराह ने कल काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी यहाँ पे, और सेम रिजल्ट उनको देखने को मिला। अब इंडिया के 4 पॉइंट्स हो चुके हैं यहाँ पे, सेफ रन जगह पक्की हो चुकी है हमारी, लगभग लगभग बोल सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आज देख सकते हैं हम कि अफगानिस्तान से हारी यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच होगा वो खुशहाल होगा। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हराती तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी तो यही लग रही है अभी तक, अगर इंडिया हराती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया के लिए मतलब रहा काफ़ी आसान हो जाएगी सेफ रन की यहाँ पर बोल सकते हैं। एंड सेफ रन उसका फाइनल मैच, तो दो ही मैच बचते हैं इंडिया के लिए यहाँ पर। और कल काफ़ी अच्छा खेली हमारी टीम, हम देख सकते हैं जिस तरीके से कल बैटिंग हुई है, बॉलिंग हुई है, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें। और लोग बोल सकते हैं कि बॉलिंग में थोड़ी शुरुआत में थोड़े बहुत रन लगाए बांग्लादेश की टीम ने फिर भी पावर प्ले वगैरह में, बट वही हम कि बुमराह ने इस तरीके से बॉलिंग डाली, कल जिस तरीके से हार्दिक ने परफॉर्मेंस दिया है, प्लेयर ऑफ द मैच मिला है उनको 50 रन 1 विकेट, तो सारी चीज़ें हमको देखने को मिली कल के मैच में। और अभी अच्छा है, मतलब जिस तरीके से मोमेंटम है हमारी टीम का वो काफ़ी अच्छा है, और जिस तरीके से कल टीम खेली है हमारी, ओवरऑल परफॉर्मेंस कल काफ़ी अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं 190+ स्कोर लगा है, तो देखने को मिल रहा है कि जितने भी प्लेयर्स हैं सबने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, और कल अक्षर ने भी इस तरीके से बॉलिंग करी है। तो ऑल्दो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है हमारी टीम का, कुलदीप ने कल काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है यहाँ पे, रन रोकने में कामयाब रहे हैं यहाँ पे वो, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा हमारी टीम का। जितने भी प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पा रहे थे उन्होंने कल क्लिक किया है यहाँ पे, जितने भी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आया था अभी तक उनका भी आया है, तो अब देखते हैं आगे मैच में किस तरीके से क्या चीज़ें जाती हैं यहाँ पे, और ये टूर्नामेंट किस तरीके से जाता है यहाँ पे। अभी हमारे लिए मेन दो ही मैच होने वाले हैं, जो है सेमी फाइनल वाला मैच और फाइनल वाला मैच, को देखते हैं उसमें क्या होता है। तो मैच को लेकर के वीडियो को लेकर जो भी कमेंट बताइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।